खेसारी भैया की पत्नी से आज की लड़कियों को एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि भले ही आप बदलते जमाने के साथ कितनी तेजी से मॉडर्न बनती चली जाएं, लेकिन अपने जड़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर खेसारी भैया की पत्नी चंदा भाभी का वीडियो देख रहे हैं, जो कि इनके मुंबई वाले घर का है। वहां पर वो छठ पूजा करने के लिए किसी नदी पर तो नहीं जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने अपने गार्डन में ही छोटी सी नदी बनाकर उसमें पूरी अच्छी तरीके से भाई छठ पूजा का पर्व किया है। आजकल की लड़कियों को इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि बदलते जमाने के साथ आप मॉडर्न होइए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जिस तरह से हमारे यूपी बिहार के अंदर छठ पूजा का महत्व है, उस तरह से मुझे नहीं लगता कि किसी और राज्य में इस तरह से इस पूजा को किया जाता होगा। और आज की लड़कियों को जरूर इस चीज को सीखना चाहिए कि बदलते जमाने के साथ आप बहुत तेजी से बदलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को भी अपने साथ साथ लेकर चलिए। धर्म को परिवर्तन करने की कोशिश मत कीजिए। खेसारी भैया की लंबी उम्र के लिए और खेसारी भैया की तरक्की के लिए भाभी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा की है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा हमको कमेंट जरूर कीजिएगा।